बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्साना, आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट के कातिल पकड़े गए और इस कत्ल का ड्रॉप सीन हो चुका है। कातिल कौन निकले हैं? जो शूटर्स पकड़े गए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बड़े ही उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं और जिन लोगों को इस मुकदमे में नॉमिनेट किया गया था, यानी कि कैसर भट्ट, लखोडेर और अमीर फतेह को, क्या वही कातिल हैं या कि इन शूटर्स ने किसी और का नाम बताया है, ये आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ लाहौर के अंदर गैंग वॉर के हवाले से जैसे कि बातें की जा रही हैं कि गैंग वॉर शुरू हो चुकी है, बिलखुसूस जब से अमीर बलाज का कत्ल हुआ है और उसके बाद फिर एहसन शाह उसको शूट किया गया और एहसन शाह के कुछ रोज बाद ही जवेद भट्ट का मर्डर होता है। और जैसे ही ये जवेद भट्ट का मर्डर हुआ तो तीफी भट्ट, जो के तकरीबन 6 महीने से रुपोश थे, क्योंकि वो जो अमीर बलाज का कत्ल है उसमें मरकजी मुलजम है और इश्तिहारी हैं, मफरूर हो चुके हैं, बैरूने मुल्क हैं, वो एकदम मंजर पे आते हैं और आके बताते हैं कि जी असल ये कातिल कौन है और जो शूटर्स हैं वो कहां से पकड़े जाएंगे। शूटर्स के बारे में बताते हैं और पूरी लीड जो है पुलिस को तीफी भट्ट की तरफ से दी जाती है कि कहां से शूटर्स को हायर किया गया, कौन इनके पीछे है, किसने सुपारी दी और किसने जवेद भट्ट को मर्डर करवाया। और पुलिस, जिसमें के CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इन्वेस्टिगेशन विंग वाले जो हैं, उनके 4 मुख्तलिफ यूनिट काम कर रहे थे, यानी 4 टीमें तश्कील दी गई थी जिन्होंने इन शूटर्स को पकड़ा है। ये शूटर्स कैसे पकड़े गए हैं ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, ये आज बिलखुसूस जो जवेद भट्ट का कत्ल है उसके हवाले से एक ड्रॉप सीन होता नजर आ रहा है कि जो काफी दिनों से एक लाहौर के अंदर बड़ा ही इस कत्ल के बाद एक खौफ पाया जा रहा था कि क्या गैंग वॉर लाहौर में दोबारा से शुरू हो गई है। अब ये कातिल जो हैं, इनके नाम जो इन शूटर्स ने बताए हैं कि जी ये इन लोगों के कहने पे हमने शूट किया है, तो उन्होंने नाम लिया है टीपू ट्रकां वाला का जो बेटा है अमीर मौसम, यानी के अमीर बलाज का छोटा भाई अमीर मौसम, उनका नाम लिया है शूटर्स ने। शूटर्स जो हैं दोनों अजहर और इलियास, इन दोनों को अरेस्ट किया गया और काफी दिनों से इनके लिए छापे मारे जा रहे थे और ये भेस बदल के किसी और जगह पे जाके रह रहे थे ताकि ये पकड़े ना जाएं। लेकिन एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात बताई जाती है जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि शूटर्स कहते हैं कि 5 लाख रुपए सुपारी दी गई उनको जवेद भट्ट के कत्ल के लिए और 2 महंगे यानी कीमती घर देने का वादा किया गया था। 5 लाख रुपए वाली सुपारी जो है, ये समझ नहीं आती कि इतनी कम अमाउंट में कैसे ये कत्ल जो है वो तय पाया। जब जवेद भट्ट को कत्ल किया गया FC अंडरपास के करीब लाहौर में, तो उनकी अहलिया भी उनके साथ ही थी, इसके साथ साथ उनकी बेटी गाड़ी में मौजूद थी जब वो स्कूल से अपने नवासे नवासियों को लेने जा रहे थे और उसी दौरान ये जो शूटर्स हैं ये एक प्लानिंग के तहत उनको शूट भी करते हैं। रिक्शा इसमें इस्तेमाल हुआ, मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुए, बिलखुसूस इसमें जो शूटर अजहर है और इलियास, इन दोनों ने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया है, इन दोनों शूटर्स का ये कहना है कि इन्होंने ये जो कत्ल है ये किए हैं अमीर मसब के कहने पे और अमीर मसब के साथ इनकी मुलाकातें जो हैं वो करवाई गई। अब मुलाकातें करवाने वाला था आरिफ पत्तोकी का रहायशी, जो आरिफ है ये मुलाजिम बताया जाता है अमीर मौसम का, यानी के सबका मुलाजिम बताया जाता है। और उसके बाद इसने यहाँ से मुलाजमत तो अमीर मौसम के हाथ से छोड़ दी, लेकिन अमीर मौसम के हाँ इन्होंने काम किया है काफी ज्यादा। आरिफ है इनका नाम, पत्तोकी के रहायशी हैं, अभी तक ये मफरूर हैं और इनको अरेस्ट नहीं किया गया। इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो आरिफ है बेसिकली उसने शूटर अजहर और इलियास के साथ मुलाकातें करवाई अमीर मौसब की और वहां पे ये सारा मामला तय पाया। एक पूरी मनसूबाबंदी की गई, अमीर मौसब ने इन शूटर्स को जो है वो जवेद भट्ट के कत्ल के हवाले से 5 लाख रुपए सुपारी देने का वादा किया और इसके साथ साथ 2 कीमती घर जो है वो
तय पाए कि वो भी दिए जाएंगे जब ये शूटर्स अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। कत्ल में मुलविस दोनों शूटर्स जो हैं, इनके राब्ते जो हैं वो मिले हैं टेलीफोनिकली। ये पुलिस का कहना है कि जो सीडीआर चेक की गई है दोनों शूटर्स की, यानी कि अजहर और इलियास की, तो उसमें देखा जा सकता है कि अमीर मासब के साथ कत्ल से पहले और कत्ल के बाद ये दोनों शूटर्स जो हैं ये राब्ते में रहे हैं। और जहां तक मीर मौसम का तल्लुक है, तो मीर मौसम जब ये जवेद भट्ट का कत्ल होता है तो तकरीबन ये 6 रोज पहले पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक मनसूबा बंदी के तहत तय पाया था कि अमीर मौसम जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद ये शूटर्स जो हैं ये जवेद भट्ट को रेकी करके कत्ल करेंगे और फिर जो अमीर मौसम हैं वो फिर कुछ दिन बाद वापिस आ जाएंगे। अमीर मौसब जब ये जवेद भट्ट का मर्डर होता है तो वाकई ही वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, और इसीलिए अमीर फतेह को इसमें नॉमिनेट किया गया, उनके छोटे भाई को, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद थे। और इसी तरह इस केस में कैसर भट्ट लखोडेर, उनको नॉमिनेट किया गया। नामजद मुलजमान ये दो थे, जिसमें के अमीर मौसब का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया था कि वो पाकिस्तान में मौजूद उस वक्त नहीं थे। लेकिन दोनों शूटर्स के साथ जो मुलाकातें हैं, वो शूटर्स बता रहे हैं कि किस किस जगह पे मुलाकातें करवाएगी। आरफ जो है वो मुलाकातें करवाता रहा है, और इसके साथ साथ शूटर्स ने ये भी बयान दिया है कि ये कत्ल जो है उन्होंने किया है टीपू ट्रकम वाले के बेटे अमीर मौसब के कहने पे। और अजहर और इलियास जो हैं उनकी सीडीआर्स के अंदर अमीर मौसब के साथ रابطे पुलिस ने काफी सारी कॉल्स जो हैं वो ट्रेस की हैं। अभी मजीद गिरफ्तारियां की जा रही हैं दोनों शूटर्स जो हैं। अभी इन्होंने और कुछ लोगों की निशानदेही की है कि जो इसमें सहूलतकार के तौर पे उन्होंने काम किया इस मर्डर केस में, जवेद भट्ट के मर्डर केस में, सो उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जहां तक टीफी भट्ट की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने कुछ रोज पहले बताया था कि एक दफा जरा शूटर्स पकड़े जाएं तो फिर पता चलेगा कि ये मर्डर किसने करवाया है। क्या तीफी भट्ट को पहले ही पता था कि शूटर्स जो हैं वो कहाँ से पकड़े जाएंगे? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये जितनी भी लीड दी गई है शूटर्स के हवाले से, सहूलतकारों के हवाले से, वो सारी की सारी तीफी भट्ट, जो कि खुद भी अमीर बलाज कत्ल केस में एक नामजद मुलजम भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, और वो रुपोश हैं पिछले 6 महीने से, उनकी लीड के ऊपर ये CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इन्वेस्टिगेशन विंग ने काम किया, और उसके बाद इन शूटर्स को उन्होंने अरेस्ट किया है। तीफी भट्ट का जो बयान है ये बड़ी ही अहमियत का हामिल अब इख्तियार कर चुका है, क्योंकि उन्होंने कुछ रोज पहले शूटर्स के बारे में ये इंकशाफ किया था कि वो चाह मीरा के करीब ये सारी डील तय पाई है, और जो टीपू ट्रकम वाले हैं उनके बेटे इस पूरी जो डील ये हुई है उसमें मौजूद थे। और फिर उन्होंने बताया कि ये शूटर्स किसकी, यानी कौन बंदा था जिसने इन शूटर से मुलाकात करवाई, यानी कि आरिफ, आरिफ के हवाले से भी तीफी भट्ट ने बताया था। सो आरिफ तो अभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं था और तीफी भट्ट को सब कुछ पता था। ये थोड़ा सा हैरान भी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। अब ये जो छापे हैं मारे जा रहे हैं, इनमें 4 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, जो कि मजीद इन शूटर्स के, यानी अजहर और इलियास के कहने पे, और लोगों को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है कि उनको भी अरेस्ट किया जाए, और फिर मजीद जो इंकशाफात हैं वो इस मर्डर केस के हवाले से सामने आएंगे। DSP फैसल शरीफ हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम विंग के हैं, उनकी ये सारी काविश है कि उनके जो KP की में उन्होंने जाके वहां पे ये मुलजमान अपना भेस बदल के छुपे हुए थे, दोनों शूटर्स नथिया गली से होते हुए ये दरा आदम खेल KPK में जाके छुप चुके थे, वहां इन्होंने भेस भी अपने बदले हुए थे। वहां जाके इनको ये जो DSP फैसल शरीफ है इनकी क्यादत में वहां पे पुलिस गई, और इन्होंने वहां जाके फिर इन मुलजमान को ट्रेस किया, फिर इनको वहां हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इन मुलजमान को लाहौर लाया गया और फिर यहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई और इनसे पूछगिछ की गई कि इनके पीछे कौन है, किसने ये इनको सुपारी दी और किसने कहा कि मर्डर करना है, तो सो अमीर मौसब का नाम जो है अब सामने आया है कि अमीर मौसब
ने इन दोनों शूटर्स को हायर किया था आरिफ के जरिए, और आरिफ जो है वो अमीर मौसम का साबका मुलाजिम बताया जाता है। इसी तरह अमीर मौसम की गिरफ्तारी के लिए भी अब छापे मारने के लिए दो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि CIA ऑर्गेनाइज क्राइम की एक टीम है और तकरीबन दो टीमें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग की हैं। तो अमीर मौसम को भी अब अरेस्ट किया जाएगा। और ये जो 5 लाख रुपए सुपारी वाली बात है, ये थोड़ी सी समझ नहीं आती कि आजकल जिस तरह महंगाई का दौर है और उसमें 5 लाख सुपारी के तहत मर्डर के लिए हामी भरी शूटर्स ने, और फिर उसमें आरिफ भी था और अभी मजीद सहूलतकार बताए जाते, तो ये थोड़ा सा मशकूक मसला लगता है। पुलिस अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ जो तीफी बैठे हैं उनको सारे मामलात का पता था, उनके बयान पे बयान आजकल आ रहे हैं। शाहिद चौधरी एक यूट्यूबर हैं, उनके चैनल पे बैठ के वो काफी इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं। शाहिद चौधरी के पास जो है तीफी भट्ट बयान देने के लिए और सारी बातें बताने के लिए जवेद भट्ट के कत्ल के हवाले से मंजर पे आ जाते हैं, लेकिन अमीर बलाज कत्ल केस में ना तो उनको अरेस्ट किया गया, ना उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, ना उनसे कुछ पूछगिछ की गई। और अपने बहनोई के मर्डर केस में वो पुलिस को लीड दे रहे हैं, तो अमीर बलाज कत्ल केस में वो क्यों नहीं उन्होंने सरेंडर किया और क्यों नहीं इस मामले को हल किया गया। इसलिए ये जो गैंग वार लाहौर के अंदर अब बताई जा रही है कि इसको इससे मजीद इसकी चंगारी भड़केगी, वो इसलिए कि चूंकि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट अरेस्ट नहीं हुए थे अमीर बलाज कत्ल केस में, सो अगर इस वाकई ही कत्ल के पीछे अमीर मौसम है तो उसकी एक रीजन ये भी है कि पुलिस ने जब अपना काम नहीं किया, मुलजमान को अरेस्ट नहीं किया, तो जाहिर है जब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा लोग जो हैं फिर वो कानून को हाथ में लेते हैं और वो ये समझते हैं कि पुलिस हमारा काम नहीं कर रही तो ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ये गलत है कानून को अपने हाथ में लेना। क्योंकि कुछ रोज पहले अमीर मौसम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया था कि किनू गैंग है एक, उनको सुपारी दे दी गई है मीर फतेह की और मीर मौसम की उनको मर्डर करवाने के लिए, शूटर जो है वो बैरून मुल्क में सारी डील पाई और पाकिस्तान आ चुके हैं, जो कि अमीर मौसम और मीर फतेह को कत्ल करना चाहते हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया उनके दादा को कैसे कत्ल किया गया, उनके वालिद को कैसे कत्ल किया गया, फिर अमीर बलाज को किस तरीके से मर्डर करवाया गया। और तीनों कत्ल जो हैं ये तीफी भट्ट की पुष्ट पनाही थी और तीफी भट्ट ने ये मर्डर करवाए हैं, जिसमें कि उन्होंने नॉमिनेटेड मुलजमान के हवाले से भी बताया कि फलां फलां जेल में मुलजमान है, उनसे भी पूछगिछ करें तो तीफी भट्ट का नाम लिया जाएगा। सो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है ये जो लग रहा है कि अभी ये जो दुश्मनी है इनकी, इसको मजीद हवा मिलेगी कि जिस तरीके से कि जवेद भट्ट है उनकी साथ फैमिली भी मौजूद थी जब ये मर्डर किया गया है, तो सो अब खवातीन जो हैं वो भी साथ हैं और इस तरीके से एक दूसरे पे अटैक करना, इससे जो है मजीद ये मामला जो है ये बढ़ता हुआ नजर आता है। सो जो मरकजी मुलजमान है अमीर बलाज कत्ल केस में उनको भी अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि दोनों खानदानों की जो दुश्मनी है इनको थोड़ी सी इस हवाले से जो चंगारी दोनों के दरमियान भड़की हुई है उसमें थोड़ी सी कमी वाकया हो सके। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।